पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश एनसीईआरटी बुक फ्लेमिंगो को टेक्स्ट बुक में सेक्शन ए और सेक्शन बी है, जिसमें से आज हम लोग सेक्शन बी पोएट्री चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेंजा देखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पोयम। स्टेंजा फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पोयम माई मदर एट 66। तो इसमें आपको स्टेंजा पूछने के लिए आते हैं, पैराग्राफ दे देंगे, उसमें से आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसी वीडियो को हमें आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। तो पहला स्टेंजा आप लोग देखेंगे तो इन्वर्टेड कामा, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डज ओपन माउथ हर फेस एस एन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स। क्वेश्चन वन इसमें आपसे जैसे पूछ लेगा नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएटेस, तो आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर एट 66 एंड द पोएटेस इज कमला दास। क्वेश्चन नंबर टू इसी में ऐसे पूछेगा, वेयर वॉज द पोएटेस ड्राइविंग टू, तो आंसर आप देंगे द पोएटेस वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन एयरपोर्ट एंड ऑन अ फ्राइडे मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाट डिड ही सी नोटिस अबाउट हर मदर, तो आंसर कैसे लिखेंगे, द पोएटेस नोटिस दैट हर मदर वॉज स्लीपिंग विथ हर माउथ ओपेंड एंड द मदर्स फेस वॉज वेरी पेल जस्ट लाइक दैट ऑफ अ डेड बॉडी। क्वेश्चन नंबर फोर भी ऐसे पूछ सकता है, वाई वॉज हर मदर फेस लुकिंग लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स, तो आंसर लिखेंगे आप लोग, हर मदर्स फेस हैड लॉस्ट ऑल इट्स ग्लो एंड कलर ऑफ यूथ ड्यू टू एजिंग इट लुक्ड पेल फेडेड एंड नियरली लाइफलेस दैट वॉज वाई इट वॉज नॉ वॉज लुकिंग लाइक अ क्रॉप्स फेस। स्टेंजा टू में आप कहाँ से कहाँ तक होगा, तो देखिए एंड रिलीज्ड विथ से डैश डैश करके आपको डॉट 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 करके दैट थ्रू अवे है, सेकेंड बी होगा उसमें बुक में देखेंगे, तो वहाँ से जैसे दिया है इसमें एंड रिलीज्ड विथ पेन दैट सी वॉज एस ओल्ड एस सी लुक्ड बट सुन पुट दैट थॉट अवे। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट वरीड द पोएटेस व्हेन सी लुक्ड एट हर मदर, तो आंसर लिखेंगे, व्हेन द पोएटेस लुक्ड हर मदर सी लुक्ड पेल फेस पेल एंड फेडेड जस्ट लाइक अ क्रॉप्स विच वरीड द पोएटेस दिस इंडिकेटेड दैट हर मदर मे डाई वेरी सून। क्वेश्चन नंबर टू इसमें से पूछ लेगा, वाई वॉज देयर पेन इन हर रियलाइजेशन, ठीक है, रियलाइजेशन, ठीक है, आंसर लिखेंगे, द पोएटेस फेल्ट पेन इन हर रियलाइजेशन बिकॉज सी वुड नॉट सी हर मदर अगेन एस ही मे डाई सून। क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टेंजा टू का, वाई डिड सी पुट दैट थॉट अवे, आंसर लिखेंगे, द पोएटेस पुट दैट थॉट अवे बिकॉज सी हैड डिस अट्रैक्टेड बाई थिंकिंग अबाउट हर मदर्स इम्पेंडिंग डेथ। क्वेश्चन नंबर फोर इसी में पूछ लेगा आपसे, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दिस लाइन, तो आंसर में आप लिखेंगे, सिमली इज यूज इन दिस लाइन When the color of her mother's face is as in like that of her crops. Question number फाइव पूछ लेगा आपसे, Who does I refer to? तो आंसर आपको लिखना पड़ेगा, I is used for the poetess कमला दास। स्टेंजा थ्री आपको दिया रहेगा, देखेंगे तो उसमें दिया है एंड लुक्ड आउट से डॉट 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 करके दिया होगा लुक्ड अगेन एट हर तक, तो स्टेंजा आपका थर्ड है, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिटिंग द मैरी चिल्ड्रेन स्पीलिंग अबाउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। तो क्वेश्चन नंबर वन इसमें आपसे पूछेगा, हु वेंट फॉर सिक्योरिटी चेक एंड हु इज हर इन द एबव लाइन्स, तो आंसर लिखेंगे, द पोएटेस कमला दास
वेंट फॉर सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट हर इन द एवव लाइन्स रेफर टू द पोएटेस मदर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे पूछ लेगा, व्हाट डज द पोएटेस कंपेयर हर मदर फेस टू एंड व्हाई। आंसर लिखेंगे, द पोएटेस कंपेयर्स हर मदर फेस टू अ लेट विंटर्स मून एस अ लेट विंटर्स मून लुक्स कलरलेस एंड डल बिकॉज ऑफ मिस्ट एंड फॉग। आपसे क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछ लेगा स्टेंजा थर्ड में, एक्सप्लेन लेट्स विंटर मून। तो आंसर आप क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे लेट्स विंटर्स मून रेफर्स टू द मून ड्यूरिंग द लेट विंटर सीजन विच अपीयर्स पेल एंड लस्ट रेस बिकॉज ऑफ मिस्ट एंड फॉग। द पोएटेस हैज कंपेयर्ड हर मदर्स फेस टू द लेट्स विंटर मून बिकॉज हर फेस सीम्स टू हैव अ लॉस्ट ऑल इट्स साइन। स्टेंजा फोर देखते हैं, स्टेंजा फोर में हमारा आपका कहाँ से कहाँ तक है, स्टेंजा फोर ये वन कॉमा लगा हुआ है, पेल एस एस अ डैश डैश करके डॉट डॉट करके दिया है, स्माइल एंड स्माइल, ठीक है। तो जैसे वन पेल एस अ लेट्स विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एच ए माई चाइल्ड हुड्स फियर बट आल आई सेड वॉज सी यू सुन अम्मा एंड आल आई डिड वॉज स्माइल एंड सिमली एंड स्माइल। यहाँ पे सिमली नहीं है, स्माइल 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 एंड स्माइल। तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर वन हु इज हर, तो आंसर लिखेंगे हर रेफर्स टू हर मदर। क्वेश्चन नंबर टू आपसे पूछ सकता है, व्हाट वाज द पोएटेस चाइल्डहुड फियर, तो आंसर क्या लिखेंगे आप, द चाइल्डहुड फियर वाज दैट ऑफ लॉसिंग हर मदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछ सकता है, व्हाट वेयर द पोएटेस पार्टिंग वर्ड्स, तो आंसर लिख सकते हैं द पोएटेस पार्टिंग वर्ड्स वेयर सी यू सून अम्मा। क्वेश्चन नंबर फोर आपसे पूछ सकता है, व्हाट डज द रिपीटेड यूज ऑफ द वर्ड स्माइल मीन। आंसर लिखेंगे रिपीटेड यूज टू द वर्ड स्माइल मीन्स अ प्रिंटेटेड चीयरफुल ऑफ सिमली सो द पोएटेस स्माइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू मेक हर मदर हैप्पी। तो इस एक्सप्लेनेशन में आपका जैसे ये चैप्टर है माई मदर एट 66, इसमें चार स्टेंजाज दिए गए थे, तो मैंने बता दिए चार स्टेंजाज के क्वेश्चन आंसर। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद आज की इस वीडियो में।